अल्लाह ताला फरमाता है नमाज कायम करो, ये बोलते हैं नमाज पढ़ो, ये क्या बोलते हैं नमाज पढ़ो, और अल्लाह क्या कहता है वाकी मुस्कदा। दोनों में क्या फर्क हुआ? किसी भी हालत में पढ़ोगे, अगर से पढ़ने की आती हो तो कभी भी पढ़ोगे, किसी हालत में भी पढ़ोगे और किसी के पीछे भी पढ़ोगे, लेकिन अगर कायम करना है तो किसी गलत के पीछे नहीं पढ़ो। मदीना, मदीना शरीफ, और मदीने शरीफ की भी मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी में भी सहाबा का जमाना, सहाबा के जमाने में भी उस्मान अली का दौर में भी मस्जिद नबवी में सहाबा ने जमात से नमाज पढ़ी और सहाबा ने जमात छोड़ी, दोनों सुन्नते बाबा। जमात में गए फजीर जोहर असर मगरिब इशा में सहाबाए कराम जमात में शरीक हुए, और फजीर जोहर असर मगरिब इशा में सहाबाए कराम जमात में शरीक नहीं हुए। पहली बात तो सबने बताया होगा कि सहाबा जमात से नमाज पढ़ते हैं, ये दूसरी बात कोई बोला क्या कि जमात से नहीं पढ़ी? ये कोई बोला? मैं बताता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की खिलाफत है, जमात चलती रही। फारूक आजम हुए अमीरुल मोमिनीन, जमात चलती रही। हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान गुल्लुरैन हुए खलीफा, जमात चलती रही। अचानक हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, खबर है ये मालूम है ना? अचानक पलवाइयों ने हजरत उस्मान गुल्लुरैन को शहीद कर दिया, और इनके शहीद होने के बाद कोई खिलाफत के लिए तैयार नहीं हुआ। शहीद करने वालों में तीन तरफ से फसादी आए थे, बसरा से, कूफा से और मिस्र से। तो जो मिस्र के फसादियों का लीडर रहा राफिकी, क्या नाम था? राफिकी। ये राफिकी जो था, ये लीडर था फसादियों का, ये मस्जिद नबवी पे कब्जा कर लिया और वजीर दुआर असर मगरिब इशा बढ़ाने लगा। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, कोई खलीफा बनने को तैयार नहीं। तीन दिन गुजर गए, तीन दिन तक आलम इस्लाम बगैर खलीफा के रहा। जब मदीने के जिम्मेदार सहाबा किराम ने मौला अली पर दबाव डाला कि हजरत अली आप तैयार हो जाओ, तो आखिर तीसरे दिन जाकर मौला अली तैयार हुए, और जब हजरत अली तैयार हो गए तो फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली हुए, और जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली हुए तो उन्होंने इमामत शुरू की। इसमें तीन दिन गुजर गया। पूछो इन नमाज के सिखाने वालों से कि तीन दिन जब गाफिल नमाज पढ़ा रहा था और जमात हो रही थी तो उसमें सहाबियों ने नमाज पढ़ी थी कि नहीं? उन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। और सहाबा कराम ने सबक दे दिया कि जब अली जैसा इमाम हो तब पीछे सहाबा की जमात होती है, और जब उस्मान का गद्दार कोई होगा, सहाबी का दुश्मन होगा, उस्मान का कातिल होगा, तो उसके पीछे सहाबा कराम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक दिन पांच वक्त, दूसरे दिन पांच दस, तीसरे दिन पांच, पंद्रह जमात, तीन फजर, तीन जोहर, तीन असर, तीन मगरिब और तीन ऐशा की नमाजें जमात हो रही है, मगर सहाबा किराम अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि अली इमाम हो गए, तब वो निकले हैं जमात में शरीक होने के लिए। गोया साहबियों ने बताया कि नमाज के लिए सिर्फ मस्जिद नबवी न देखा करो, इमाम का अकीदा भी देखा करो, इमाम का अकीदा भी देखा करो।